मध्य प्रदेश में आज और कल टीकाकरण नहीं। जी आपको बता दें, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का जून माह का लक्ष्य एक दिन पूर्व ही पूरा कर लिया गया है, इसलिए प्रदेश में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। अब 1 जुलाई को कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज तथा 3 जुलाई को कोवैक्सीन का सिर्फ दूसरा डोज ही लगेगा। इस संबंध में सभी कलेक्टर्स को राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। एमपी ने 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला तय किया। जी आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है, जिसमें 10वीं की क्लास के 5 विषयों में आने वाले सबसे ज्यादा अंकों के आधार पर तय किया जाएगा। इसके अलावा किसी को फेल नहीं किया जाएगा तथा 10वीं के 5 टॉप विषयों में मिले अंकों की तर्ज पर मार्कशीट बना दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी बच्चे को 10वीं कक्षा में किसी विषय में 100 में से 70 अंक मिले हैं तो 12वीं में भी उस विषय में 70 अंक ही दिए जाएंगे। इसी तरह मैपिंग किए गए सभी विषयों को अंक प्रदान किए जाएंगे। परेशानी अभी कम हुई है, खत्म नहीं। कृपया मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।